आई थिंक बहुत चैलेंजिंग शो है. जेल में रहना एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं. मैंने उनके बेड्स वेड देखे, वॉशरूम्स देखे एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो. आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिजर्विंग है और बहुत अच्छे से खेले हैं. And I think it's an amazing show. You recently entered the lockup house as a warden, and कितनी आपकी memories really हुई? Oh, I think it was amazing being the warden, especially along with the jailer Karan, and बहुत मज़ा आया. I think वो episode बहुत मज़ेदार था. हमने बहुत बात की और अच्छा लगता है. आई थिंक ऑब्वियसली मेमोरीज थोड़ी बहुत ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम इट वॉज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स इट वॉज़ सिमिलर लाइक मेमोरीज ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम बहुत अलग. इफ यू वेर इन दिस शो डू यू थिंक यू वुड हैव वन दिस? Yes. Okay, so yes, you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants? Who do you see as a winner? I cannot answer that because मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना हूँ रही हूँ, पर as a warden I do feel like a part of the show और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं और जेलर जैसे नहीं है. आई थिंक सब उनको उनसे एज अ जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस, लाइक एवरीबडी लव्स करर. गाइस लास्ट क्वेश्चन, आल्सो कंटेस्टेंट की अगर बात करूँ तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती. आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है. तो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे लगे. और एक छोटा स्टेट था एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मज़ा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया. इट वॉज़ अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैंने इससे पहले कभी होस्ट नहीं किया है, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा. स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था, करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफकोर्स इट वॉज स्मूथ बिकॉज ऑफ इट. मैम वी सॉ योर जर्नी इन लास्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आता था आप स्ट्रेट फॉरवर्ड. डू यू थिंक यू आर प्लेइंग द सेम टाइप ऑफ गेम? मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी वीक इज. ऑनेस्टली आई वॉज माई सेल्फ और ऐसे शोज़ में आप किसी की तरह होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं पर वो ज़्यादा टाइम तक कोई कर नहीं सकता. Thank you. We'll just do one full look and picture. नीचे बैठा हो तभी क्या मनोज मनोज चिल्ला रहे? रिचा जी देखो, रिचा जी सेंटर, रिचा जी थोड़ा पीछे हो ना.